सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल ऑल अबाउट अलीशा एंड दिस इज मी अलीशा। सो आज आपके साथ बहुत अच्छा मेकअप शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। एंड उससे पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड काफी ज्यादा प्रिटी है रक्षाबंधन के लिए, आप इसको क्रिएट कर सकते हैं रक्षाबंधन के लिए। एंड आप आई लुक को सटल कर सकते हैं, अदरवाइज एक और लुक आएगा जल्दी से रक्षाबंधन के लिए, सटल सा मेकअप लुक। एंड ये थोड़ा सा हैवी है रक्षाबंधन के लिए। सो करते हैं स्टार्ट। एंड ये रही ड्रेस जो मैंने वेयर की है, ये कहाँ से है, सब कुछ इसकी डिटेल में एक रिव्यू आएगा जल्दी से। एंड बहुत ज़्यादा प्यारी एंड अफोर्डेबल थी काफ़ी ज़्यादा। ये मैंने अंडर 500 रुपीज़ या फिर 550 ऐसे ही ली थी। कहाँ से ली थी सबको जल्दी से बताऊंगी, जल्दी ही एक रिव्यू आएगा इस ड्रेस पे एंड वो आप देख लीजिएगा। सो चलिए करते हैं मेकअप स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। एंड आप अच्छे से फर्स्ट आप अपना फेस वॉश कर ले, देन यहाँ पे मैंने पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजिंग लाइट क्रीम लगाई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रीम है। एंड फिर प्राइमर ज़रूर लगाइए। मैंने इसमें प्राइमर नहीं लगाया है, मैं भूल गई थी, बट आपको प्राइमर लगाना ज़रूरी है। एंड यहाँ पे मैं फिटमी का मैं मेबलिन फिटमी का यहाँ पे फाउंडेशन लगा रही हूँ। एंड इसको मैंने दो फिटमी के फाउंडेशंस को मिक्स किए हैं, एक लाइट एंड एक डार्क को, दोनों को मिक्स करके मैं लगा रही हूँ। सो मैं तो जो मेकअप कर रही थी वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही थी, मीन्स मुझे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करना था, लॉन्ग लास्टिंग नहीं चाहिए था। बट अगर आप मेकअप करें किसी ओकेज़न पे, आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, तो आप प्राइमर ज़रूर लगाएं। एंड आपके जो भी पोर्स वगैरह हैं वो भी ब्लर आउट हो जाते हैं अगर कोई अच्छा प्राइमर लगाएंगे। मैंने ब्रश की हेल्प से पहले ब्लेंड कर लिया था अपना फाउंडेशन, देन यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रही हूँ एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। एंड ब्यूटी ब्लेंडर को आप वाटर में डिप करके उसका जो भी एक्सेस वाटर है उसको स्क्वीज आउट कर लें, देन आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्लेंड होगा आपका। देन नेक पे भी आप अच्छा खासा ध्यान दें। अब यहाँ पे कंसीलिंग के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड ये कुशन काइंड ऑफ इसका जो पार्ट है आगे वाला वो कुशन काइंड ऑफ है, तो आप से भी ब्लेंड कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्लेंड हो जाता है, बट ब्यूटी ब्लेंडर तो है ही। फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कर लिया था अच्छे से ब्लेंड, एंड कोई भी कट नहीं किया है मैंने। अपना जो ब्लेंड किया था कंसीलर उसको मैंने पूरा रखा है। एंड कोई भी अच्छी कंसीलर यूज़ करेंगे ना आप, तो आपका जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो प्रोडक्ट्स थोड़े अच्छे यूज़ करें हो सके, अगर आप डेली यूज़ में कर रहे हैं तब भी, बिकॉज़ अगर आप अपना मेकअप को फुल डे रखेंगे, अगर आप ख़राब क्वालिटी के करते हैं प्रोडक्ट यूज़, तो आपका जो फेस है उस पर पिम्पल्स आ सकते हैं या फिर और कुछ भी, मीन्स अगर आप अच्छी क्वालिटी का नहीं लगाएंगे तो आपको एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए अगर आप अच्छी क्वालिटी का लगाएंगे तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बट तो भी हमें फेस पैक वगैरह ज़रूर लगाना चाहिए। अब यहाँ पे बेकिंग कर रहे हैं हम। पहले मैंने फिटमी के कॉम्पैक्ट से अच्छे से अपना फेस पे लगा लिया था ब्रश की हेल्प से, पूना स्टोर का ब्रश यूज़ किया था। देन हम लोगों ने कर ली है बेकिंग। बेकिंग के लिए आप कोई भी लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब हम आईब्रोज़ को फिलअप करेंगे। सो यहाँ पे मैं जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ आईब्रो को फिल करने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से ही फिल कर रही हूँ। अगर आप ब्राउन कलर या फिर ब्लैक एंड ब्राउन दोनों को प्रेफर करते हैं, देन आप जो ब्राउन आईब्रो जेल आते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, फिर आईब्रो पोमेड्स आते हैं। देन उसके बाद कंसीलर की हेल्प से, फ्लैट शेडर की हेल्प से मैंने क्लीन आउट कर लिया है अपनी आईब्रोज़ को, और मैंने अपनी आईलिड पे भी लगा लिया था। एंड उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, बिकॉज अब हम करेंगे अपना आई मेकअप। सो सेम पाउडर ब्रश की हेल्प से मैंने जो भी हमने लूज़ पाउडर लगाया था उसको रिमूव कर दिया है, अच्छे से रिमूव कर दिया है। अब इसके बाद हम आई मेकअप करेंगे। सो आई मेकअप पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है। सो ये जो आई मेकअप था काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ड्रामेटिक भी है, आप इसको कलर स्विच करके किसी और ओकेज़न पे भी क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने डार्क थोड़ा सा ये ब्राउन या फिर आप इनको
मेहरून कलर भी बोल सकते हैं। सो ये ब्राउन या मेहरून दोनों का इन तरह का कलर था। सो मैंने उस कलर को लेके अच्छे से प्लेस किया है अपनी आउटर कॉर्नर पे एंड उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। पहले मैं ज़्यादातर टेप लगा के ही करती थी, बट आप जब किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो अब मैं टेप लगा के नहीं करती हूँ, बिना टेप के भी मैं अच्छी कट क्रीज या फिर जो हमारी आउटर व्यू होता है उसको ड्रॉ कर लेती हूँ। तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और मैं ये नहीं कह रही कि मैं जो आई मेकअप करती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफेक्ट होता है, एब्सोल्युटली नॉट, बट तो भी पहले से ज़्यादा अच्छा होता है बिकॉज प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपको किसी भी चीज़ में। सो मैं अब क्या कर रही हूँ, अब कट क्रीज कर रही हूँ मैं। सो यहाँ पे मैं फुल कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ कंसीलर की हेल्प से एंड फ्लैट शेडर की हेल्प से, देन उसको हम सेट कर लेंगे पाउडर की हेल्प से। कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लूज पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको प्रेफर हो, आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम ग्रीन कलर लेंगे। सो मुझे यहाँ पे ग्रीन थोड़ा सा या फिर ग्रीन और रेड का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करना था ड्रेस के अकॉर्डिंग। सो मैंने अपनी आउटर कॉर्नर पे ग्रीन लगाया है फिंगर की हेल्प से ही एंड इनर कॉर्नर पे वाइट कलर लगाया है। सो मैं इस मेकअप में ज़्यादातर अपनी फिंगर का यूज़ करूँगी बिकॉज ये जो मतलब फुल कट क्रीज मैंने फर्स्ट टाइम किया है। सो मुझे क्या लगता है, ब्रश की हेल्प से कर सकते हैं बट फिंगर की हेल्प से मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ इसीलिए। तो अब हमने ग्रीन कलर लगाया था आउटर कॉर्नर में, इनर कॉर्नर में लगाया था वाइट, एंड ग्रीन को थोड़ा और डार्क एंड अच्छा करने के लिए यहाँ पे मैंने अपने आउटर कॉर्नर पे ब्लैक कलर को लेके लगा लिया है एंड थोड़ा और ग्रीन लगा के मिक्स कर लिया है, ब्लेंड कर लिया है फिंगर की हेल्प से। देन यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट था जिसके ये जो ग्लिटर्स थे इसके ऊपर ग्लिटर के बाम काइंड ऑफ था, मीन्स जिससे आप बाम मीन्स जिसकी हमारी वेस्लिन टाइप की थी बट वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी थी। पहले मैंने उसको लगाया एंड उसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो गए थे जितने भी शिमर्स थे। तो मैं उसको ज़रूर दिखाऊंगी एंड मैंने अच्छे से दिखाया नहीं, सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने अब अपनी लोअर लैश लाइन पे सेम ग्रीन कलर को लेके स्मज कर लिया था। अब हम काजल लगा रहे हैं, ब्लैक काजल एंड कोई भी काजल लगा सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे मैं EDS का काजल यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा पिगमेंटेड एंड वाटरप्रूफ भी है इसीलिए। एंड यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर को लेके सेम आर्ज ब्रश की हेल्प से अपना जो काजल है उसको स्मोक आउट कर लिया था। देन सेम दूसरी आईज़ का भी मेकअप कर लिया है ऑफ कैमरा। अब हम करेंगे काउंटोरिंग। सो यहाँ पे मैंने ये जो कलर है वो थोड़ा सा येलो एंड ब्राउन का मिक्स है, मीन्स ये पूरा ब्राउन नहीं है, थोड़ा सा येलोइश ब्राउन है। सो उस कलर को लेके मैंने काउंटोरिंग किया। सो मैंने इसको फर्स्ट टाइम लगाया है मीन्स एज अ काउंटोर एंड पता नहीं अच्छा लग रहा है या नहीं बट ठीक था। सो इससे मैंने काउंटोरिंग कर ली है। अब हम लगाएंगे ब्लश। सो यहाँ पे मैं ये पिंक कलर को लेके ब्लश लगा रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने जैकलिन हिल का पैलेट यूज़ किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा अफोर्डेबल पैलेट है, नायका से आपको इजीली मिल जाएगा। सो अब हम ब्लश लगा रहे हैं एंड ये जो ब्लश था मीन्स ये आई शेडो थे बस, बट आप आई शेडो उसको एज अ ब्लश, एज अ हाइलाइटर, एज अ काउंटोर लगा सकते हैं। सो ब्लश काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, शिमरी था। देन उसको मैंने अच्छे से लगा लिया एंड यहाँ पे मैंने फ्लैट टॉप ब्रश से लगाया एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लग गया था। अब उसको अच्छे से मैं लगा लूँगी थोड़ा 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 और करके एंड ब्लश हाइलाइटर एंड काउंटोरिंग ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब कि अच्छी लगती है, ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे अब हम आईलाइनर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सेम मेबलिन का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लॉन्ग लास्टिक लाइनर चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मेबलिन के जेल लाइनर को यूज़, या फिर आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का जेल लाइनर यूज़ कर सकते हैं। सेम हम अपनी सेकेंड आई पे भी ड्रॉ कर लेंगे अपना आईलाइनर। एंड यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ एंड पहले मैंने ट्रू लिप लाइनर यूज़ किया था लिपस्टिक से पहले आउटलाइन करने के लिए, देन
अब हम हाइलाइटर लगा रहे हैं। हाइलाइटर के लिए यहाँ पे मैंने रेवोल्यूशन प्रो का हाइलाइटर लगाया। सो यहाँ मैंने इतनी स्पीड इसलिए बढ़ाई, जो पता नहीं कैसे जो मेरी लाइटिंग थी वो थोड़ा सा सही जगह पे नहीं रखी थी। लाइटिंग के सामने मेरा कैमरा था जिससे लाइट बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आ रही थी एंड एकदम डार्क हो गया था। सो जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सो इसीलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी ज़्यादा। सेकेंड टाइम रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हुआ था इसलिए, बट उसके बाद फिर मैंने सही कर लिया था। सो आप देख सकते हैं अच्छा है। पहले जो ब्लैकनेस हो गई थी सो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था एंड मेरा मूड ख़राब भी हो गया था। बट पहले से जब शूट हो चुका था तो मैं फिर कुछ कर भी नहीं सकती थी इसलिए। एंड दिस इज़ माई कम्प्लीट लुक। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ अप्रिशिएट माई वर्क। सो आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब कर देना, इट्स अलॉट टू मी। एंड हो सके तो उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना एंड कमेंट करना इसमें क्या मिस्टेक है, अगर कोई भी गलती हो सो प्लीज़ मुझे बताइएगा। सो मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड लास्ट में मैंने इसमें बिंदी भी लगा ली थी जो ऐड भी नहीं कर पाई, बट आप उसको स्टार्टिंग में देख सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने ब्लू बिंदी लगाई थी। सो आप बिंदी के साथ इसको पेयर अप कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो लास्ट में भी देख सकते हैं। सो बाय बाय। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इट्स अलॉट टू मी। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर देना है, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है। सो मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन प्रेस कर देना एंड कमेंट जरूर करिएगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। अगर इसमें कोई मिस्टेक है सो उसको मैं मिस्टेक को ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी, इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।